माई डियर स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th क्लास पे अटेंशन इन योर शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वास। प्यारे बच्चों, हमने गोल्ड वास के बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उससे अगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट वाज मॉर्निंग, सुबह का समय था, सुबह हुआ, शंकु लेटा हुआ सारे अपनी आवश्यकताओं को सोचने में लगा हुआ था। जब सुबह हुई तो उसने, उसकी पत्नी ने आकर के शंकु को जगाया, बोली, व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, अरे आप अभी भी सो रहे हो। शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी ने सैड कहा, जेंटली धीरे से शेकिंग हिलाते हुए हिज उसके सोल्जर कंधे को। शंकु की पत्नी ने शंकु के कंधे को धीरे से हिलाते हुए शंकु से कहा, क्या आप अभी भी सो रहे हो। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकल आया है। शंकु राइड हिज हेड, शंकु ने अपना सर उठाया एट वंस, तुरंत हिज वाइफ उसकी पत्नी ने पिकड अप द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे को उठा लिया। हु वाज क्रॉलिंग अप टू ही हर, जो बच्चा उसके समीप क्रॉलिंग कर रहा था, रेंग रहा था। एंड आज शंकु, और शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है। शंकु बोला, ओ यस अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा। एंड और गॉट आउट ऑफ बेड, बिस्तर छोड़ दिया। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, इन ए हरी बहुत जल्दी में कोर्ट यार्ड आंगन में स्टेप डाउन, सीढ़ियों से नीचे उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूरज की किरणें परसिंग पड़ रही थी। लस बंबू फॉलिक, फूले हुए बांस पर, ऑन द ईस्टर्न साइड, पूरब की तरफ से सूरज की किरणें पूरब की तरफ से फूले हुए बांस पर पड़ रही थी। एंड ब्राइटनिंग, और वो चमक रहा, बांस चमक रहे थे। ओल्ड पाम लीफ थ्रेश, ताड़ की पत्तियां चमक रही थी सूर्य की किरणों में। शंकु ने बांस धोया, हिज फेस, अपना चेहरा एंड हैंड्स और हाथ एज यूजुअल, रोजाना की तरह शंकु ने अपने हाथ और मुंह को धोया। फुट ऑन इज वर्किंग क्लॉथ, उसने अपने काम करने वाले कपड़े पहने। एंड और वाज अबाउट टू हैव, वाज अबाउट टू लीव, वह छोड़ने वाला था हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री को। वैन, जब हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने उसे फैक्ट्री जाने के लिए जब बोला, तो शंकु ने फैक्ट्री छोड़ने का विचार कर लिया था। शंकु चला पीछे, उसकी पत्नी ने आवाज लगाई, लिसन, सुनो, यू मस्ट वाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, यू, तुम्हें मस्ट वाई खरीदनी होगी, सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए फोड़ा फंसियों की क्रीम खरीदनी होगी। सी, उसने थ्री ए कमांडिंग लुक एट हिम, शंकु पर कमांडिंग लुक, एक आदेशात्मक नजर डाली। शंकु की पत्नी ने शंकु पर एक आदेशात्मक नजर डाली और बोली, तुम्हें बच्चे के लिए ऑइंटमेंट खरीदनी है। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट की ईच ऑफ द सोअर्स ऑन द चाइल्ड फेस्टरिंग बॉडी, बच्चे के शरीर की फुंसियों को शंकु ने देखा। बाज स्टेरिंग एट हिम, स्टेरिंग माने घूर कर देख रहा था वह बच्चों की फुंसियों को, एक ग्रेसम बे, एक अनजान तरीके से। शंकु ग्रेसम बे, अनजान तरीके से बच्चे की फुंसियों को घूर कर देख रहा था। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, ए मोमेंट पास्ट, एक क्षण इन साइलेंस, शांति में व्यतीत हो गया। एक क्षण के लिए शंकु शांत बना रहा, फिर बोला, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, क्या मतलब है ऑइंटमेंट का। शंकु आस लाके फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा कि इस ऑइंटमेंट का क्या मतलब है। ऑइंटमेंट फॉर द सोअर्स, उसकी पत्नी ने कहा, ऑइंटमेंट फॉर द सोअर्स, ये ऑइंटमेंट फोड़ा फुंसियों के लिए होती है। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी लगातार बोलती रही कि ऑइंटमेंट फोड़ा फुंसियों के लिए होती है। यू मीन, तुम्हारा मतलब, यू हैव नॉट सीन द सोअर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुमने बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियों को ही नहीं देखा। मतलब शंकु की पत्नी ने शंकु से कहा, किसका मतलब है, तुमने बच्चे के शरीर पर फुंसियों को नहीं देखा, लेकिन ये मतलब शंकु का नहीं था।
शंकु का मतलब बात को दोबारा रिपीट करने का यह था कि उसके पास पैसा नहीं था। अब जरा गौर करते हैं। शंकु बोला, यस हाँ, हाउ मेनी पाइस वर्थ ऑफ इट ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कितनी कीमत होगी? एट लीस्ट कम से कम 13 पैसे वर्थ, 13 पैसे की होगी। बी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, हमें कम से कम बच्चे को 3 दिन ये ऑइंटमेंट देनी होगी। एच एम शंकु बिगन टू वॉक, बड़बड़ाते हुए शंकु बिगन टू वॉक चलने लगा। विद बेंट हेड, अपना सिर झुका झुकाए हुए, अपना सिर झुका करके शंकु आगे बढ़ा। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन इस सॉफ्ट वॉइस, बड़ी ही सॉफ्ट वॉइस, कोमल आवाज में शंकु की पत्नी ने पुनः पीछे से आवाज लगाई, प्लीज सुनिए कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे मुड़कर देखा। सी स्पोक जेंटली, बहुत धीरे से उसकी पत्नी ने कहा, प्लीज कृपया ब्रंग टू राइप बनाना, 2 पके हुए केले ले आना। वेन जब यू तुम कम बैक इन द इवनिंग, शाम को घर वापस लौटो। शंकु की पत्नी ने कहा, जब आप शाम को घर वापस लौटे तो कृपया 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा रोने लगता है। एट नाइट, रात को बच्चा रोने लगता है। एंड और आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, उसको देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। शंकु की पत्नी ने कहा कि बच्चे को देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। आगे ध्यान दें। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वह खड़ी हुई थी अपने ब्लाउज को खींचकर। देन तब शंकु ने नोटिस, ध्यान दिया हर उसकी तरफ, बेली बल्गिंग आउट, अपनी उभरी हुई नजरों से शंकु ने अपनी पत्नी को देखा। वाज इट एनदर बर्डन ऑन द बे, शंकु अपनी पत्नी से बोला, वाज इट एनदर बर्डन ऑन द बे, क्या कोई और दूसरा भी वजन है मेरे सर पर रखने के लिए? शंकु बाज स्टंट, शंकु स्तब्ध सा था। ही कर्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को धिक्कार रहा था। एंड विद ए डीप साई, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ही रेसम हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और वह अपनी फैक्ट्री की तरफ धीरे धीरे चल रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे फिर शंकु की पत्नी ने आवाज लगाई, लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने सिर हिलाकर के उसको स्वीकृति दे दी। एंड वॉक डाउन, और चलता गया। शंकु ने सिर हिलाकर उसे बता दिया कि हाँ मैं ले आऊंगा, और आगे बढ़ता गया। एट 1 o'clock, 1 बजे, इंटरवल की घंटी जैसी बजी, हर व्यक्ति इन हिज जल्दी में भागा टू होम्स, घरों के लिए, होटल्स और टी शॉप, चाय की दुकानों के लिए, फॉर लंच, नाश्ता करने के लिए। शंकु बाय द ओनली वन, शंकु केवल एक ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड, वह खड़ा रहा, लीनिंग, झुका हुआ, अगेंस्ट ए पिलर, पिलर के विपरीत, खंबे के विपरीत शंकु झुका हुआ खड़ा रहा। इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द बेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम की तरफ, ऑफिस के पश्चिम की तरफ शंकु एक कोने में, एक खंभ के विपरीत साइड में झुका हुआ खड़ा रहा। हिज हर्ट, उसका हृदय, बाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पिटेंस, बेचैनी से धड़क रहा था। शंकु का हृदय बेचैनी से धड़क रहा था। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण व्यतीत हो गई। द इंजीनियर ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, एक छोटे कद का गोरा आदमी, अंग्रेज, कैट लाइक आईज, बिल्ली जैसी आंखों वाला, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेच्यू, जो संगमरमर की मूर्ति सा लगता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर गया। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और उसने दरवाजे को छोड़ दिया। एज यूजुअल, रोजाना की तरह, देयर वाज नो वॉच, घड़ी नहीं थी, ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई में, रोजाना की तरह आज भी घड़ी उसकी कलाई में नहीं थी। शंकु हर्ड फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु ने बड़े आराम की सांस ली। ए फ्यू मोर मिनट मोमेंट्स पास्ट, और कुछ क्षण व्यतीत होने के बाद शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा।
देयर वॉज नो बडी इन साइड, कोई व्यक्ति वहां नहीं उसे दिखाई दिया। ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, शंकु कार्यालय की तरफ टूवर्ड आगे बढ़ा। द ग्लास विंडो, शीशे की खिड़की, एज यूजुअल रोजाना की तरह, पार्टली आधी क्लोड बंद थी, आधी खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, बाज ऑन द टेबल, मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमकदारी घड़ी थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन, वो अंग्रेज, वुड रिटर्न, लौटेगा आफ्टर लंच, नाश्ता करने के बाद। एंड इज सेस्टिया ओनली बाय 4 o'clock, और उसके लौटने का समय लगभग 4 बजे का है। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बढ़िया अवसर था शंकु के लिए। देयर वॉज नोबडी अराउंड, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। 1, 2, 3, 6 और 7 minutes पास, 1 से लेकर लगभग 7 minutes व्यतीत हो गए। सडनली अकस्मात शंकु थॉट, शंकु ने विचार किया, सपोज, कल्पना करो, संबंध सीज में अगर कोई मुझे देख भी लेता है, एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह। फियर, एक डर, पुश्ड हिम फॉरवर्ड, एक डर ने उसको पीछे की तरफ धिक्कारा। ही टुक ए फ्यू स्टेप, वो कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। बट saw no one, कोई दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्पटेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, अपनी आवश्यकताओं के लिए पीड़ित होकर, ही वॉक टूवर्ड द रूम, कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वंस, एक बार, अगेन पुनः, ही लुक्ड अराउंड, उसने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। ए सडर पास दो हिज बेंस, एक डर हिज बेंस, उसकी धमनियों में, नसों में एक डर घुस रहा था। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल धड़क रहा था। 1 second पास, इस सेकेंड पास होने के बाद ही उसने स्ट्रेस आउट बढ़ाया हैंड, अपना हाथ। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, बाजनेट उसने अपने हाथ में ले ली। नर्वसली घबराते हुए, हिज आईज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एकदम निरीक्षण किया कि मुझे घड़ी उठाते समय किसी ने देख तो नहीं लिया। No one was there at all, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। Trembling, कांपते हुए, he उसने put रख ली वॉच, घड़ी, in the pocket, अपनी जेब में, in his torture pant, की अपने पेंट की जेब में। कांपते हुए हाथ से शंकु ने घड़ी रख ली। He held his breath and walked forward in haste, he held his breath, उसने गहरी गहरी सांसें ली। And walked forward in haste, और जल्दी में forward आगे की तरफ बढ़ा। After about 10 step, लगभग 10 कदम चलने के बाद, he looked back, उसने पीछे मुड़कर देखा। Then तब, he saw, उसने देखा, someone, कोई व्यक्ति, walking, जा रहा है, quickly, जल्दी में, along the eastern corridor, eastern corridor का मतलब, पूर्वी बरामदे की तरफ। उसने पीछे मुड़कर के जब देखा, तो उसने देखा, कोई व्यक्ति पूर्वी बरामदे की तरफ, जल्दी जल्दी जा रहा है। Obviously, स्पष्ट रूप से, he was going to the timekeeper's office. अब शंकु विचार करने लगा कि स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति timekeeper's office, द्वार पर रक्षक के पास जा रहा होगा, समय रक्षक के पास जा रहा होगा। He must have seen everything. उसने अब उसने सब कुछ देख लिया होगा। शंकु ने विचार किया कि जो व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा है, उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps शायद he was hastening to inform the watchman at the gate. Perhaps शायद he was hastening, वह जल्दी में जा रहा, to inform, सूचित करने के लिए वॉचमैन, घड़ी वाले व्यक्ति को, एट द गेट, दरवाजे पर। शंकु ने विचार किया कि दरवाजे पर घड़ी वाले व्यक्ति को सूचना देने के लिए वह व्यक्ति जल्दी जल्दी जा रहा है। ये शंकु के दिमाग में विचार आने लगे। शंकु इस तरीके से माइंडेड हो गया, ओह गॉड, अरे भगवान, हैड द वंगल, कितनी भयानक बात है। शंकु स्टूड लाए के पिलर, शंकु स्टूड खड़ा हो गया, लाए के पिलर एक स्तंभ की तरह, शंकु एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया। पर्टिफाइड, बिल्कुल शांति सा। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सीम टू बर्न, जलती हुई प्रतीत हुई उसे। हिज पॉकेट, उसकी जेब में, लाइक ए बर्निंग किंडर, एक जलते हुए अंगारे की तरह।
शंकु को सोने की घड़ी उसकी जेब में एक जलती हुए अंगारे की तरह लग रही थी। इट सेंड स्पार्क्स एलोंग इज नर्वस, उसके पूरे शरीर में घबराहट की आग सी भर गई। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया सेम टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, उसे लग रहा था कि पूरे संसार में जलते हुए अंगारे उसकी तरफ छोड़े जा रहे हैं। फ्लेम सेरोजी फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, धूल के प्रत्येक कण से फ्लेम्स एरोजी, शंकु को लग रहा था कि मिट्टी के प्रत्येक कण से आग की ज्वालाएं धधक रही हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, शंकु को कहीं पर भी शांति की छाया नहीं मिल रही थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, हर वस्तु जल रही थी, बर्निंग एंड बर्निंग, उसको चारों तरफ आग ही आग लग रही थी। शंकु को ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, अब क्या होगा, ये व्यक्ति जाएगा और हमने जो घड़ी चुराई है उसके लिए व्यक्ति घड़ी वाले को सूचना देगा। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आप अगले वीडियो में सुनने का इंतजार करें और ये दोनों पार्ट आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।